और ये दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर और ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में क्या होता है, क्या काम होते हैं, ठीक है, कितना यूजफुल होता है, जितने भी बेनिफिट्स हैं, कैसे काम करता है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया है। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा पांच तरीके, कोई क्लिकबेट नहीं है दोस्तों, पांच तरीके 100% वैलिड और जेन्युइन। आप सही से करेंगे तो नेचुरली बिना किसी ड्रग्स के, मैं गारंटी ले रहा हूं, आपके ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स में इजाफा होगा, एलिवेशन होगा, 100% बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी फालतू का इसमें कंटेंट नहीं है, वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल प्योर नॉलेज है और आई एम श्योर अगर आप इसको करते हैं तो आपके जीएच लेवल्स में बिल्कुल डिफरेंस होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी आगे वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, हमें यहाँ पे ये समझ लेना है, बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि दिन भर, ठीक है, हमारे ग्रोथ हार्मोन का जो ब्लड में लेवल है वो फिक्स्ड नहीं है। ग्रोथ हार्मोन पल्सेस में निकलता है, ठीक है, कभी निकला नहीं निकला, ये कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, ये जो स्टिम्युलेटरी फैक्टर्स हैं जो बताते हैं हमारे दिमाग को कि कब उसको प्रोड्यूस करना है, कब नहीं करना है, उसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा स्टिम्युलेटर है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। तो जब मिसाल के तौर पे कार्डियो का एग्जांपल लेते हैं, एरोबिक ट्रेनिंग का, ठीक है। अब एरोबिक ट्रेनिंग जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट जहां आपके हो जाएंगे उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जीएच सिक्रेशन होगा आपके ब्रेन से, आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अब यहाँ से 15 से 20 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं कि आप ऐसे ही बस चल रहे हैं ट्रेडमिल पे एंड आपको मान लिया कि 15 मिनट चलो मैक्सिमम जीएच बना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्ट आपको लैक्टेट थ्रेशोल्ड, मतलब जब आपकी सांसें चढ़ने लगी हैं, थोड़ा एक्जर्शन हो रहा है आप पे, थकान महसूस हो रही, वो चीज़ अगर आप 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो जीएच प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, एरोबिक ट्रेनिंग कार्डियो की अगर हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपने, आपको अपनी ट्रेनिंग स्प्लिट करनी है, ठीक है, जितना, क्योंकि आप ट्रेनिंग करेंगे आपके जीएच लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो एलिवेटेड रहेंगे नहीं हमेशा। तो आप जितनी ज़्यादा स्प्लिट ट्रेनिंग करेंगे, सुबह शाम कर लिया या सुबह और दोपहर को कर लिया, जिस तरीके से आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करता है, ट्रेनिंग स्प्लिट करने से ऐसा पाया गया है कि आपके ग्रोथ हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो बढ़े रहते हैं, जो 24 घंटे की जो आपकी साइकिल है जीएच की, आपके ब्लड में जैसे प्रोडक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम आप उसको रख सकते हैं अगर आप जितना ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग को स्प्लिट करके ट्रेन करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स या एरोबिक जो जो भी आपका ट्रेनिंग पैटर्न चल रहा है आपके गोल के हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन। और दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी चीज की जिससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन लेवल को सबसे ज्यादा लेके जा सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे बात आती है BFR की। क्या होता है BFR? ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सबसे सिंपल भाषा में कोई भी पार्ट जो आप ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, उसको बांध लेना है। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स कर रहे हैं, ठीक है, तो बाइसेप्स को यहाँ से बांध लिया। थाई कर रहे हैं तो थाई पे आपने रस्सी बांध ली, बाइसेप पे आप रुमाल बांध सकते हैं। BFR स्ट्रैप्स भी होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, वो इसलिए कि वो स्किन पे अच्छे रहते हैं, कोई रैशेस वगैरह नहीं होते हैं। बाकी ये देसी जुगाड़ आपका रुमाल और रस्सी और कपड़ा, इन सब से भी हो सकता है, इंडियंस जुगाड़ करने में बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई BFR की। अब BFR पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेशन होता है कि BFR ट्रेनिंग, बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अच्छी नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे आप फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ब्लड नहीं पहुँचने दे रहे हैं। जब फ्रेश न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा तो वो किस तरीके से रिकवरी होगी? लेकिन रिकवरी जो है उस टाइम ब्रेकडाउन होता है वर्कआउट के टाइम, और रिकवरी वर्कआउट के बाद में होती है, तो वो आर्ग्यूमेंटेशन का वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। और कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं तो उसके बाद न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो ही रहा होता है। बट एनीवेज BFR पे आते हैं, तो जो BFR ट्रेनिंग है, ठीक है, अब ये मैं वो डेटा बता रहा हूँ जो एक्चुअल साइंस कहती है, ये मैं किसी की थॉट्स नहीं बता रहा हूँ, ये रियल डेटा है। तो BFR जब, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि BFR जब भी आप कर रहे हैं ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन किसी भी बॉडी पार्ट का, उस पे लाइट वेट पे, ठीक है, लो रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं लिफ्ट करना है आपको। तो जब आप ऐसा करते हैं BFR लो वेट से आप किसी पार्ट को ट्रेन करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन, जो सर्कुलेटरी ग्रोथ हार्मोन होता है, जीएच प्रोडक्शन होता है,
उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा एलिवेशन पाया गया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने खुद भी ट्राई किया है, बिल्कुल रिजल्ट्स होते हैं, BFR बिल्कुल काम करता है, आपके GH लेवल्स बिल्कुल एलिवेट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा स्टिम्युलेटर है ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। नेचुरली आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में जो होता है वहाँ से निकलता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो एक्सरसाइज से 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का जो है सिक्रीशन स्टिम्युलेट कर सकती है आपके ब्रेन में। क्या है? स्ट्रेस। अब यहाँ पे आप स्ट्रेस से वो स्ट्रेस मत समझ लीजिएगा जो कि यूजुअली हम नॉर्मल बात करते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे स्ट्रेस से मेरा मतलब है आपको डाइटरी फास्टिंग करनी है, ठीक है। ये आपको वीक में एक बार दो बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। हॉर्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड बिल्कुल है कि फास्टिंग से आपके जो GH लेवल्स होते हैं, जो भी आपका स्टिमुलेशन होता है, वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज से, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो कोशिश करिए आप हफ्ते में एक बार फास्टिंग जो है प्रैक्टिस करिए। फास्टिंग इस तरीके से करिए जैसे टिपिकल इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो प्रोटोकॉल होता है कि इतने घंटे खाए थे नहीं खाया, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा आपके नेचुरल ग्रोथ हार्मोन लेवल्स को ऊपर उठाने। जो एक्सोजेनियसली बाहर से लेते हैं उन पे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसमें अलग ही बिल्कुल स्टोरी होती है, किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस वीडियो से बाहर है वो। बट जो नेचुरल है वो बिल्कुल इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा उनके ग्रोथ हार्मोन लेवल। तो चौथी चीज़ जो मेरी लिस्ट में है जिससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन लेवल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं नेचुरली, वो है डीप ब्रीदिंग। योगा में इस प्रैक्टिस को प्राणायाम कहा जाता है और नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हम इसे डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। डायफ्राम से आप ब्रीथ करते हैं। बेसिकली अगर आपको सबसे आसान तरीके से समझा दो, आपको सांस अंदर लेनी है तो पेट को बाहर निकालना है, जब सांस छोड़नी है तो पेट को अंदर ले जाना है। एक स्पेसिफिक मसल को आप टारगेट करते हैं एंड ऐसा बिल्कुल साइंस बैक्ड एविडेंस है कि इसका ग्रोथ हार्मोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। नेचुरल सिक्रीशन और स्टिम्युलेशन ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा बढ़ता है ब्रेथ होल्डिंग से, डीप ब्रीदिंग से, ठीक है। एथलीट्स भी करते हैं इसे, स्ट्रेस कम होता है, बहुत ज़्यादा फायदा है। एंड सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इसको करने के लिए कोई आपको स्पेशल जगह नहीं चाहिए, बस हाँ थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोकस किए आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं इसको। आपको एक दिमाग और एक मसल माइंड कनेक्शन बनाने में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ट्रस्ट में जब आप ये बना लेंगे, जब आप ये कर लेंगे, तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल होगा आपके पास और आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस करना जल्द से जल्द स्टार्ट करें। दोस्तों मेरी लिस्ट में जो लास्ट चीज़ है जिससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन्स को मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छुआ सकते हैं, वो है, आप जैसे कि सोच ही रहे होंगे, जो भी बच गया है वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ये नेचुरल एथलीट्स पे ही एप्लीकेबल है, जो बाहर से एक्सोजेनियसली ग्रोथ हार्मोन लेते हैं उनके ऊपर इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है। बट अगर आप नेचुरल हैं, ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले वर्कआउट ड्यूरेशन से ही रिलेशन में है आखिरी वाली, दूसरी है आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी, एंड तीसरी जो कि ड्यूरेशन से रिलेशन में है वो है सेट्स के बीच में जो रेस्ट पीरियड ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता है। अगर आप अपने सेट्स के बीच में, वर्किंग सेट्स के बीच में ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं, तो आप अपने ग्रोथ हार्मोन को नहीं ज़्यादा एलिवेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर एट द वेरी सेम टाइम अगर आपके जो सेट्स के बीच का जो टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम है कि बस रिकवरी हो गए, दूसरा सेट लगाने लगे, तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स मैक्सिमम होंगे। एविडेंस है, साइंस बैक्ड है, 100% है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सारे के ऊपर बहुत सालों रिसर्च हुई है, उसके बाद ये डेटा निकल के आया है, तो ये 100% वैलिड और जेन्युइन डेटा है। आप इसको अप्लाई करिए, 100% गारंटीड आपके ग्रोथ हार्मोन्स में डिफरेंस होगा। और दोस्तों आई होप ये जो भी नॉलेज मैंने आपसे शेयर करी है आपको पसंद आई हो, और ना ही आप ये सिर्फ वीडियो देखें बट एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपनी वर्कआउट रिजीम में इसको ऐड करें, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब जो भी दोस्त हैं, जो भाई है, जो भी लेने का सोच रहा है GH, उसको ये वीडियो दिखा दो, अच्छी खासा नॉर्मल प्रोडक्शन हो सकता है नेचुरली, तरकीब मालूम होनी चाहिए, तरकीब मैंने इस वीडियो में बता दी है। अप्लाई करना अब आपका काम है, अपना फीडबैक शेयर करिए इसको अप्लाई करने के बाद कि कैसा फील हो रहा है, वर्कआउट में कितना डिफरेंस है, रिकवरी में क्या डिफरेंस है, खुद डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना यार, सपोर्ट मिलता है थोड़ा आप लोगों से, ठीक है। एंड
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, नॉलेज उन तक पहुँचवाइए, क्योंकि जेन्युइन नॉलेज है बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है।